रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बेस्ट एंड सिंपल कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पेस्ट्री, चॉकलेट पेस्ट्री। बहुत इजीली बनती है विदाउट ओवन। सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है दो अंडे, इनको हम निकाल लेंगे, तोड़ लेंगे, सफ़ेदी अलग कर लेंगे और जर्दी अलग। ये देखें इस तरह, ये देखें एक जर्दी निकाल ली है, इस तरह दूसरे अंडे की भी निकाल लेंगे। सो ये देखें दूसरे अंडे की जर्दी भी अलग कर ली है। अब हम इसे फेंट लेंगे, इसकी सफेदी को बीट कर लेंगे। ये देखें इसकी जो सफेदी है कितनी प्यारी फ्लफी सी बन गई है। इसके बाद हम चीनी ऐड करेंगे, शुगर पाउडर। ये मैंने लिया है 1/4 कप शुगर पाउडर, ये ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी हुई है, अब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है, उसको अच्छे से बीट करेंगे। सो ये देखने कुकिंग ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। अब डालेंगे अंडे की जर्दी, ये जो हमने 2 अंडों की जर्दी ली है इसको हम डाल देंगे और इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर ये सारा बीट का प्रोसेस हो जाएगा। ये जो मेरा बैटर है वो कितना अच्छे से फ्लफी हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है मैदा 1/3 कप। सब कुछ यहाँ पे लेवल्ड है और रूम टेम्परेचर पे है। मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, कोको पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और साथ हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे और फिर मिक्स कर लेंगे। 2-3 शिफ्ट्स के अंदर हम स्टेन करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक तरफ बैटर मिक्स हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने एक पैन के अंदर स्टैंड रखे और साथ नीचे नमक की लेयर बिछाई है और प्री हीट होने के लिए रख दिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। आप नमक के बगैर भी इसे सिंपल प्री हीट कर सकते हैं। ये देखें बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर डालेंगे दूध, ये 2 टेबलस्पून मिल्क है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध को भी और इसे पैन में शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने बेक करना है। बटर अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है, इसे हम पैन में शिफ्ट कर लेंगे। ये मैंने बटर पेपर लगा लिया है पैन के अंदर। सो ये देखें बटर हमने शिफ्ट कर लिया, अब इसे हम टैप टैप करेंगे और बेक होने के लिए रख देंगे। देखें इसे मैंने बेक होने के लिए रख दिया हुआ है। इसे हम कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक इसे हम बेक करेंगे। 25 मिनट्स के अंदर हमारा रेडी हो जाएगी पेस्ट्रीज। गाइस ये देखें 20 से 25 मिनट हो चुके हुए हैं, केक भी अच्छे से बेक हो गया है। चेक कर लेते हैं, ये देखें फुल सॉफ्ट टिका ही है। इसे हम ठंडा होने का वेट करते हैं। इसके गाइस इसके हम क्रीम रेडी करेंगे। ये मैंने फुल ठंडा बाउल लिया है, इसके हम क्रीम डालेंगे, ठंडी क्रीम है 1/2 कप क्रीम। अब इसको बीट कर लेंगे हम। इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है 4 टेबलस्पून चीनी और अब इसे हम दोबारा बीट कर लेंगे अच्छे से। तो गाइस ये देखिए क्रीम हमारी अच्छे से फ्लफी हो रही है। इसके अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर, ये 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो हमारी क्रीम अच्छे से फ्लफी हो चुकी हुई है। ये देखिए जब पीक इसकी बनना शुरू हो तो बस इसको हम बंद कर देंगे। तो गाइस ये देखिए केक को हमने कट कर लिया हुआ है लेयर्स में। अब इसके हम देखें ये लगाएंगे दूध का मिक्सचर, दूध और चीनी है, 2 टेबलस्पून मिल्क और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने शुगर पाउडर ऐड किया है। इसे अच्छे से सोक करेंगे, ये देखें इस तरह लगा देंगे ताकि ये और मॉइस्ट हो जाए। और अब हम क्रीम लगाएंगे, ये देखें ये जो हमने क्रीम बनाई है इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखें एक लेयर बन चुकी हुई है, इसी तरह हम ये दूसरी लेयर जो है उसको करेंगे। पहले हम दूध लगाएंगे इसके ऊपर, ऊपर हम क्रीम लगाएंगे, ये देखें सेम यही प्रोसेस करेंगे। सो इसको हम साइड से कट कर लेंगे। ये देखिए जो किनारे वगैरह हैं इनको हम अच्छे से कट कर लेंगे चारों तरफ से कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से कट कर सकते हैं।
ये देखिए हमारी पेस्ट्री रेडी हो चुकी हुई है। ये देखिए कितनी मज़े की बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम बनी है। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।